गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज मैं बाड़मेर से 30 किलोमीटर दूर हूँ और कल मैं इधर एक ढाबे में रुका था, अपने पहले वाले ब्लॉग में देखा। तभी सुबह सुबह खा रहे हैं पोहा और छत्तू, और ये खा के मैं अभी चल जाऊँगा सामने। तो चलो, तो अभी मैं आ गया ढाबा के सामने और देख सकते हो। और अभी मैं मेरे जर्नी करने वाला स्टार्ट, सो इधर से करेंगे। अभी बाड़मेर छोड़ देंगे, अभी बाड़मेर छोड़ के चले जाएंगे जैसलमेर के रास्ते, जो कि और 3 दिन में पहुंच जाएंगे। सो चलो, सो जय। और दोस्तों, अगर आप राजस्थान आ रहे हो और आपका वो सैंड के नीचे जो छुपा हुआ होता है रैटल स्नेक, उसके बारे में पता नहीं, तो डेंजरस बात है। ये वो सांप जो सांप है बहुत डेंजरस होता है, तो मैं अभी चाहूँगा, वो सांप मैंने देखा एक बार, सो अभी जाएंगे सामने। चलो, सो अभी इधर क्या हुआ था ना, तो इधर एक इधर का जो करंट ईमेल है, जो कि रविंद्र सिंह भाटी, तो उनका कार्यालय जो इधर है, उधर ही एक जो उनका शायद उधर का कोई नेता कहता होगा, मैं पॉलिटिशियन वगैरह होगा, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, बुलाया, और उनसे मैंने खाना ले लिया। सभी उधर से ही नाश्ता वगैरह ले लिया, अभी चल रहे हैं सामने। तो फिलहाल मैं हूँ बाड़मेर शहर में, और बाड़मेर शहर का थोड़ा सा साइड में, तो इधर से अभी मुझे जाना है जैसलमेर, और ये बाड़मेर शहर का स्टार्टिंग पॉइंट है, इधर से बाड़मेर शहर जो होता है स्टार्टिंग। तो चलो, और मुझे मेरा साइकिल का दुकान वगैरह भी साइकिल ठीक करना पड़ेगा, तो अभी इधर से जाएंगे। सो दोस्तों, अभी से शुरू होगा मजा, क्योंकि अभी 10 से 15 किलोमीटर बाद आपको दुकान पाट मिलेगा। अगर कुछ खाना हो, पीना हो, हगना हो, मोदना हो, सब कुछ आपको मिलेगा, तो 10-15 किलोमीटर बाद। तो मान लीजिए इस टाइमिंग में आपको प्यास वगैरह, अगर प्यास लगा है तो आपको थर्स्टी रहना पड़ेगा। सो ये है जैसलमेर का रोड। सो चलो, जैसलमेर का एक्सपीरियंस लेते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था ना, जो मुझे वो जो पार्टी वो जिधर मैं गया था उधर से वो मुझे दिया था, ये अभी देख सकते हो, ऐसा वाला खाना दिया था, पोहा से सब कुछ बनाया, बहुत ही अच्छा था। वो भी खाएंगे खाने के बाद, अभी और नहीं खाएंगे, अभी जाएंगे सीधा जैसलमेर के लिए। सो फिलहाल मैं इधर 1 घंटा तक रेस्ट किया था, सो अभी मुझे निकलना है इधर से, क्योंकि टाइमिंग नहीं है, और इधर से 120 या 30 किलोमीटर दूर है जैसलमेर। तो मुझे अगर आज पहुंच पाएंगे, क्योंकि काउच सर्फिंग में मेरे एक भाई से बात हुआ था, तो उनके उधर रुकेंगे, तो इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंच जाएंगे, तो रुक सकते हैं अच्छे से। तो चलो, सो मैं जा रहा था इधर से, और ज़्यादा समय कोई भाई साहब से मुलाकात हो गया, ये वाला भाई साहब से। बहुत सारे ऐसे भाई साहब है जिनके साथ मैं बात नहीं कर सकता, मगर सब भाई साहब है। तो अभी क्या ना, अभी मैं जा रहा था और दो भाई मिल गया जो जिन्होंने ये बेच रहा है। इसका नाम क्या है? इससे क्या होता है? अचार। इससे अचार बनता है, तो इससे ये रहा, इससे अचार बनता है। तो भाई लोग ये बेच रहा है, ये कितना, इसका दाम कितना? 150 रुपए। इतना महंगा? ओके, कोई बात नहीं, चलो। मुझे अभी तो क्या ना, मैं तो अचार नहीं बना सकता, मुझे जाना है। तो चलो भाई, आपसे मिलते हैं, चलो। ओके, जैसलमेर जो है ना, जैसलमेर इधर से 90 किलोमीटर दूर है, और कल हम पहुंच जाएंगे जैसलमेर। आपकी राजस्थान के रोड वगैरह में पेड़ वगैरह मिल जाएगा आपको बहुत बड़ा बड़ा, मगर उसके नीचे आप रेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें छाया नहीं है। जैसे कि मैं इस वाले पेड़ में, पेड़ के नीचे रुका हूँ, मगर इधर भी नहीं है उतना, फिर भी अभी रुकना तो पड़ेगा, तो इसलिए मैंने रुका। बाकी जैसलमेर सामने ही है, कल पहुंच जाएंगे। चलो, मैं पिछले 2 घंटे से चल रहा हूँ, एक भी घर दिखाई नहीं दे रहा है ये वाले एरिया से, पूरा ही बंजर है एरिया। सिर्फ बीच बीच में थोड़ा बहुत गाड़ी वगैरह जा रहा है, और पीछे से सामने से कुछ भी नहीं है, और सिर्फ मैं अकेला चल रहा हूँ। अगर एक घर बार होता जिसके साथ बात करेंगे या पानी लेंगे, ऐसा होता तो बहुत ही अच्छा होता, एक भी नहीं मिल रहा है। सो फिलहाल मैं जा रहा था और एक भाई साहब मिल गया, जो भाई साहब, चलो भाई साहब, बाइक में जा रहा था बाइक से अभी, तो भाई ने बाइक रुक के, क्योंकि मैं एक से फ़ोन कर रहा था कल जिधर रुकेंगे, सो भाई ने भी रुका, मैंने चलो बात करते हैं। भाई, आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मण राम गर्ग। अब इधर का लोकल? मैं लोकल हूँ, जैसलमेर जिले से हूँ। जैसलमेर जिले से? मेरा गांव रासला है, तहसील फतेहगढ़ है। ओह, फतेहगढ़ वाला। सो अभी भाई से जा रहे हैं, और भाई लोकल है। भाई, अभी आप किधर जा रहे थे? अभी मैं बाड़मेर से आ रहा, देवीकोट जा रहा हूँ। ओके, बराबर। सो मिलकर सच में बहुत ही अच्छा लगा, इस सुनसान एरिया में। इधर भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इधर भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, बाकी सिर्फ भाई है, और भाई ने मुझे पानी ऑफर किया, तो अभी पानी पियेंगे।
ये देखो स्विट्जरलैंड का ग्रीन एनर्जी। चलो छोड़ो, ये तो है स्विट्जरलैंड का एनर्जी, बट मेरा एनर्जी किधर है ना। मुझे अभी जाना है 9 किलोमीटर और दूर, उधर एक गांव है, उधर रुकेंगे रात को। खाना भी पकाना पड़ेगा। सो अभी मैं जैसलमेर जाऊंगा और इधर से अराउंड 90 किलोमीटर दूर है, और जाने के टाइम मैंने क्या ना, अभी रुकने के लिए जगह चाहिए था क्योंकि शाम हो गया, तो मैं इस भाई के होटल में रुका हुआ। आप देख सकते हैं इस होटल का नाम, और होटल हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट, और ये है ओनर। तो अभी फिलहाल हुआ क्या है, ईद के मौसम पे भाई साहब का होटल का जो स्टाफ था सब बाहर गए हैं, तो फिलहाल भाई साहब है। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम खान मोहम्मद है, तहसील से बाड़मेर जिले से राजस्थान से बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश से आए हैं, पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से, और अभी होटल पे रुके हुए हैं नहाने धोने के। अभी उधर खाना वाना खाएंगे, यहीं सोएंगे, सुबह और जैसलमेर जाएंगे। ओके भाई ने पूरा इंट्रो दे दिया, अभी बोलने के कुछ नहीं, अभी नहाएंगे, फिर खाना पीना करके रेस्ट करेंगे, फिर कल निकलेंगे। ओके सो अभी मेरा नहाना हो गया, और अभी अगल बगल में इतना सुंदर हवा आ रहा है, और आसमान भी थोड़ा सा खराब है, शायद बारिश क्या हो या ना हो पता नहीं, मगर हवा बहुत दे रहा है। तो अभी क्या, अभी मैंने नहा भी लिया, और नहाने के बाद अभी रेस्ट करेंगे, फिर रात को देखेंगे क्या होता है खाना पीना। तो चलो मिलते हैं जैसलमेर में।